अभी हम इस एलियन वेयर को ऑन करेंगे लैला मजनू की केस स्टडी को और देखेंगे वेदर ऑन होता है नहीं करके। और ये हमारा लैपटॉप ऑन हो गया, एलियन वेयर जो भी हमारे को सता रहा था, डरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब इंडियंस के लिए और बाहर के लिए मेरी तरफ से दुआ है, अल्लाह आप सबको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिजक दे, माँ बाप की दुआ कबूल हो, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू आप जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक फॉलोअर्स हैं और जो भी एएफएस सॉल्यूशन को इतना अच्छा चाहते हैं, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि आपका इतना इंस्पिरेशन की वजह से मैं बार बार यूट्यूब वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और मेरे को अच्छा भी लगता है। और कमेंट्स जितने भी मेरे को दिए हैं आप सबके लिए एएफएस सॉल्यूशन से तहे दिल का शुक्रिया। डर क्या है, किस चीज का डर है हम लोगों को? मेरे को एक इंक्वायरी आया था, उसने पूछा सर आपका जो डीवीडी का प्राइस है मैं आपको दे दूंगा लेकिन मेरे को फुल वीडियो सपोर्ट, वीडियो कॉल सपोर्ट चाहिए। मेरे पास चार लड़के हैं और चारों लड़कों को आप वीडियो कॉल सपोर्ट दीजिएगा, बोला। मैंने बोला सर मैं रजनीकांत नहीं हूं और मैं मेंटल हॉस्पिटल को जाना भी नहीं चाहता। ये 25,000 आप नॉलेज सीखने के लिए है, मैं आपका कोई सिम कार्ड जैसा सपोर्ट नहीं देता हूं, मैं कॉल सेंटर नहीं चलाता हूं, पेड सपोर्ट के लिए करके। उसके लिए एक वैलिड वजह भी है। चलो आप मेरे को बताओ ये हमारा आसमान स्काई कितना बड़ा है, जो हमारे को दिखता है उतना बड़ा है, या ये दुनिया के बाद एक हमारा अर्थ के बाद मर्क्यूरी से शुरू करते हैं, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न नेपट्यून प्लूटो ये 9 प्लैनेट्स इतना बड़ा है, एक सूरज है, या इससे भी एक बड़ा गैलेक्सी है और गैलेक्सी जैसे बल्ला के गैलेक्सी हैं और हर एक तारा जो स्टार है वो भी एक गैलेक्सी है, उसके अंदर कितनी बड़ी दुनिया होगी। चलो हम सोचते हैं कि जितने तारे हैं उतने गैलेक्सी उतना बड़ा आसमान है करके, लेकिन ये गलत है क्योंकि जहां इंसान की सोच खत्म होती है ये आसमान और ये गैलेक्सी उससे बहुत बड़ा है। उसी तरह मेरे को बताओ कि इंडिया में कितने मदरबोर्ड्स हैं, 100, 200, 300, कितने वैरायटी हैं, इन्वेंटेक, इमिस्ट्रॉन, कॉम्पल, क्वांटा, कितने हैं, इन्होंने अब तक कितने बोर्ड्स बनाए होंगे, कितने जनरेशन के बोर्ड बनाए होंगे, करेक्ट? तो मेरे को बताओ कि मैं कितने बोर्ड्स का मैं याद कर सकता हूं, विस्ट्रॉन का फर्स्ट जनरेशन से अभी तक जो लेटेस्ट जनरेशन है 10th या 11th जो चल रहा है उस वहां तक मेरे को याद है कि ये बोर्ड में यही प्रॉब्लम यही फॉल्ट है करके, या इन्वेंटर का या कॉम्पल का या क्वांटा का। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे इन सब कंपनीज का जितना भी XYZ कंपनीज है मेरे को इसका हर बोर्ड का प्रॉब्लम सोल्यूशन मालूम है, ये फिर गलत है क्योंकि मदरबोर्ड्स में प्रॉब्लम इससे आगे है, हमारी उम्मीद से बड़ा रहता है, बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभी हमारे को भी एक घंटे की जगह एक दिन लग जाता है, एक दिन की जगह दो दिन लगता है, दो दिन की जगह तीन दिन लगता है, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस के बोर्ड रहते हैं करके। अगर एंड कस्टमर से आया शायद रिजल्ट जल्दी आ सकता है, अगर एक डीलर से आया तो टैम्पर होके आया तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो सकता है, करेक्ट? सो मेरा बोलने का मतलब है कि हम कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है या इतना सुपर ह्यूमन नहीं है कि एटलीस्ट इंडिया में, क्योंकि इंडिया तो सबसे हाईएस्ट एशिया में लैपटॉप चिप लेवल इंजीनियर्स हैं, तो कोई ऐसा एक्सपर्ट ज्ञानी या सुपरमैन नहीं है या सुपर ह्यूमन नहीं है
जो हर बोर्ड का हर प्रॉब्लम को हर दिमाग में याद करके रखे, बहुत मुश्किल होता है। सो हम इंस्टीट्यूट वाले क्या देते हैं, हम सिर्फ एक नॉलेज देते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि आपको इस एक लाइन में जाके इसको फॉलो करके इसको आप रिपेयर करना है। मेरे को इंक्वायरी भी आता है, सर ये लेटेस्ट एसओसी जनरेशन है, 8th जनरेशन 9th जनरेशन, इसका रिपेयरिंग सिखाएंगे क्या करके, ऑन बोर्ड सीपीयू रहता है, इसको कैसा रिपेयर करना। मेरा एक सवाल है, हमारे को क्या रिपेयर करना है बताओ। आज तक इंडिया में कोई इंजीनियर है जो सीपीयू रिपेयर करता है, या सीपीयू को शॉर्ट है, सीपीयू को शॉर्ट को निकालेगा, सीपीयू को तोड़ के बनाएगा, सीपीयू को तोड़ के रेडी करेगा, या आईसी को तोड़ के कोई रिपेयर कर सकता है? नहीं। एक पावर सीक्वेंस को आपने सही कर दिया, वो जो भी सीपीयू रहने दो वो ऑटोमेटिक आपको काम करेगा। एसओसी रहने से आपको लिए सबसे आसान है कि आपका जो पावर सीक्वेंस है या सेक्शंस है वो कम हो जाता है, ये आपके लिए और इजी है रिपेयर करने के लिए। लेसर सेक्शन, लेसर प्रॉब्लम्स, फास्टर रिजल्ट्स, करेक्ट। हम इस बेसिक्स को कब सीखेंगे, क्या होता है ये आईसी, क्या होता है इसके सेमीकंडक्टर्स, क्या होते हैं इसके रिक्वायरमेंट, कैसे है, कैसे काम करता है ये आईसी, आगे उस अपने वोल्टेज को कहां लेकर जाता है, अगर इस ये चीज समझ आ गई तो हमारा डर ऑटोमेटिक हमारे दिल से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए आज मेरे पास एक एलियन वेयर आया, जो शायद कस्टमर 2 साल पहले एक नया बोर्ड दलाया था, फिर मेरे पास नहीं, डीलर के पास दलाया था, तो वो डीलर आज बोर्ड लेकर आया लैपटॉप। उसने बोला सर एलियन रिपेयर होगा क्या? मैं बोला होगा, नाम से क्या रखा है, वो एप्पल हो एलियन हो क्या फर्क पड़ता है हमारे को, गेमिंग मशीन हो क्या, एक कंडीशन सीपीयू जिंदा है इंशाल्लाह रिपेयर होगा। तो आज मैं एक नया मल्टीमीटर भी मंगाया हूं, दिस इज फ्लूक 107 मैंने परचेस किया है, एंड टुडे आई विल बी डूइंग अ केस स्टडी ऑन दिस मल्टीमीटर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मल्टीमीटर, इस प्रोब सामने आया है, इट हैज अ लाइटिंग ऑल्सो, इसमें लाइटिंग भी आया है, और इसका एक और ब्यूटी क्या है, ये स्ट्रिप आया है इसके साथ, इट इज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप, कंप्लीट मैग्नेटिक स्ट्रिप, देखिए इससे आपका मल्टीमीटर में ये स्टैंड जैसा भी बन जाएगा, आप चाहे तो इसको एक स्टैंड जैसा भी यूज कर सकते हैं, एल शेप, कितना भी फोल्डिंग, ये फोल्डिंग होगा, आप स्टैंड जैसा भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज होगा, ठीक है, हम इसको एक स्टैंड जैसा यूज कर सकते हैं। एनीवे, दिस इज वन मोर एक्स्ट्रा गैजेट, मैग्नेटिक स्ट्रिप विच मेक योर मल्टीमीटर एज अ स्टैंड। सो वी विल बी ट्रबल शूटिंग दिस केस विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीमीटर टूडे, एंड द प्रोब्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड क्वालिटी, एंड आई थिंक फ्लूक के प्रोब्स कभी भी कॉस्टली रहते हैं, अराउंड 2000 के करीब रहते हैं। ये मल्टीमीटर अमेजोन में अवेलेबल है, 5550 कुछ अवेलेबल है, 5250 कुछ अवेलेबल है, फ्लूक 107। आई एम नॉट प्रमोटिंग द मल्टीमीटर, बस मेरे टेबल पे जो पास है, जो मेरे को स्पीड देता है, इंशाल्लाह उसमें मैं रिपेयर करूंगा, ठीक है। सो एलियनवेयर कैसा रिपेयर करना, आज इसके बारे में हम एक केस स्टडी देखेंगे, ठीक है। वेलकम टू द केस स्टडी। हम अभी अगर मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो मल्टीमीटर है, मैं सिर्फ अगर मैं कैलिब्रेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव को चेक करूंगा तो ये कितना फास्ट मेरे को ग्राउंडिंग देता है करके, मैंने कंप्लीट जीरो कितना फास्ट देगा, मैं निकालता हूं फिर चेक करता हूं, 1 2 3 कैलिब्रेशन, फिर मैं चेक करता हूं विद इन सेकेंड्स में मेरे को देना चाहिए। सो एक 2 सेकेंड्स के लिए 3 सेकेंड्स के लिए हम छोड़ते हैं इसको कैलिब्रेशन होने के लिए। सो जब मैं निकालता हूं और जब मैं लगाता हूं, ये स्पीड चाहिए मेरे को चेकिंग में, ओके डन, ये स्पीड चाहिए। सो हम ये स्पीड को लेके इस मल्टीमीटर से मेरा बोर्ड क्या रिपेयर होगा और कैसे रिपेयर होगा, हम इस चीज को अभी हम चेक करेंगे। नाउ डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट किया है, कनेक्ट करके हम 30 मिली सेकेंड में ऑन करेंगे।
So in 30 millisecond it is showing me 4 or 5. So again we'll repeat 30 millisecond on off. So I got 4. I will leave it. It is showing me 9. So in 9 whether my laptop has to power on. So I have tried earlier, the laptop was not getting powered on. First of all, we'll remove the DC connector and we'll check the coil values of our graphic motherboard. Really, we should be afraid of a graphic motherboard or not? Because abhi hum to ek alien van ke upar kaam kar rahe hain, to humar ko thoda dar rahega, ye repair hoga nahi hoga karke. Hum isko main remove karta hun. So, ये हमारा हीट सिंक रिमूव हुआ. रिमूव होने के बाद ये हमारा बोर्ड अभी तैयार है. सो तैयार होने के बाद हम इसके बारे में देखेंगे कि ये बोर्ड क्या रिजल्ट देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक द कॉइल वैल्यूज इन आवर मल्टीमीटर. सो व्हाट्स द मल्टीमीटर नाउ. इफ यू वांट आई विल कीप द मल्टीमीटर हियर टू चेक द कॉइल वैल्यूज. Red probe in ground. I am keeping red probe in ground. So this is the first time I am using this multimeter, but I have got very good reviews on this, and I have removed the CMOS also. We'll go to the CPU part. CPU में देखिए कि इधर एक coil लगा है. इसका coil में कोई shorting है क्या करके? 15. So one coil is good. We'll check for the second coil. इस coil के ऊपर check करते हैं. 1. So this coil is showing me 1. Okay. So I will write 1 here. Next coil check karte hain. Ye bhi 1 dikha raha hai. Third coil check karenge. Ye bhi 1 dikha raha hai. Okay. So all these 3 coils are connected to the CPU. And it is showing me 1. So what is the generation of the CPU? I am not interested. Next, this is showing me 2. Aur uske baju wala coil bhi check karenge. This is also showing me 2. So this is showing me 2 and this is showing me 2. Ek cheez mere ko malum hai ke अगर कोई भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का ये सीपीयू होगा, मे बी स्काई लेक हो सकता है या के बी लेक हो सकता है. कंडीशन क्या है, मेरे को सीपीयू 0 नहीं दिखाना चाहिए. इट शुड नॉट शो मी 0. इफ इट इज शोइंग 1 एटलीस्ट आई विल टेक द चांस. बट हियर आई हैव गॉट अ क्लू. वन साइड इज शोइंग मी 1 एंड अनदर 2 कॉइल्स आर शोइंग मी 2. And this it is showing me double digit. So if it is showing me double digit, ये मेरे लिए pass है. ये मेरा single digit है, लेकिन zero नहीं दिखा रहा है. तो I will take a chance. ये दोनों मेरे को short नहीं दिखा रहा है, लेकिन 2 दिखा रहा है. तो ये भी मेरे लिए pass है. ठीक है. Done. Now coming to the graphic part. Graphic chip fault है क्या करके देखते हैं. So graphic chip first हम coil को इधर लिखेंगे. Showing me 2. So, ये मेरा 2 आ गया. So, still it is not 0. Next coil को check करते हैं. It is also showing me 2. See the speed of the multimeter. You can see the speed of the multimeter. और हम third coil पे check करते हैं. So, this is also showing me 2. So, this is again, it is not coming for 0. So, ये तीनों भी 2 दिखा रहा है. So, this is related to graphic chip. So, again, I can take a chance. क्योंकि ये मेरे लिए 0 नहीं दिखा रहा. सो आई कैन टेक अ चांस. सो विल टेक अ रिस्क ऑफ ग्राफिक चिप. विल टेक अ रिस्क ऑफ द सीपीयू बिकॉज इट इज नॉट शोइंग मी 0. अभी बचा ये मेरा पीसीएच. पीसीएच का ये कोई कॉइल है क्या देखते हैं. सो मल्टीमीटर को वॉच कीजिए. ये मेरे को दिखा रहा है 18. सो ऑलरेडी
every time my PCH will be double digit, so I will take this as a double digit. PCH is 18, so I'll take it as a pass. Now coming to the BIOS pin number 8. So BIOS pin number 8 में check करते हैं कि ये मेरा short है नहीं है करके. 317. See the speed of the multimeter. Pin number 8, 314. So it is 314 means my something is alive. Good. So CPU या PCH कोई भी मेरा short नहीं है करके ये मेरे को BIOS pin number 8 clue दे रहा है. So this is passed. This side we have passed. We have a BIOS chip here also. इस BIOS chip में pin number 8 देखेंगे हम. So it is showing me 407, sorry 405. So even this is not short. See the speed again. I will repeat. 1, 2, 3. Dega speed. Good. The left out is we have one coil here. इसको भी देखते हैं RAM coil को. 60 दिखा रहा है. Means with RAM it is showing me 60. So this is also pass. Different multimeters will give different values. Today I am checking on Fluke. So this is the reading I am getting on my motherboard. Now we have some sections here. We have two sections. So 1, 2, 3, 4, 5 coils are there. I don't know what it is. Still one coil 489. So it will be a charging coil 489. So it is also good. So definitely these two small coils must be a Vin coil. So Vin coil ke wajah se we'll put at the inductor. So we'll check here. 451, again repeat. 352, sorry. 352, so this is also pass. So abhi mere paas itna hi bacha hai. So we'll check at this bigger coil. Bigger coil must be 5 volts. 389, 388, so this is also good. 388. Next go for the smaller coil. Short. So this is 0. You can see this is 0. So hum abhi mere liye kya check karna karke mere ko mil gaya. So this coil is showing me 0. I will start working on this. I don't know which section coil it is. Maybe 3.3 volts, 5 volts, what it is. I don't know and I am not interested also. So why this coil is short? Now this is my case study how I have to work. Okay. Anyway. Abhi hum jayenge. That coil we have a testing pad also here. Good. So we have a testing pad here. It is also showing me completely short. This testing pad. See the multimeter. At this testing point, it is showing me completely short. Good. Doesn't matter. So first, I will isolate this testing pad. Isko isolate karenge or check karenge whether it is an input short or output short. How to isolate? First, put some lead here. First, put some lead. After lead डालने के बाद desoldering wick रखिए और इसको isolate करते हैं, ठीक है? These basics. Good. Let me clean and check. Shayad nikla nahi nikla. Yes, nikal gaya. So ye nikal gaya hai. To hum abhi iska check karenge ke mera input side short hai ya output side short hai karke dekhenge. So if I check in my multimeter, output side is short and check at the coil side. Coil side it is removed. Dekha apne?
495 कॉइल रिलीज हो गया. सो अगेन दिस टेस्टिंग पैड विल बी अ क्लू टू मी द आउटपुट साइड इज शॉर्ट. ओके नाउ रिवर्स द मदरबोर्ड एंड विल गो टू द टेस्टिंग पॉइंट. So this is the place where we are getting a fault. Okay, I think we have to work on this with an microscope. So मैं अभी microscope को लगाता हूँ और microscope से check करते हैं. अभी ये रहा मेरा microscope and the we are going to the standby IC and standby IC is PU100 and we'll open the schematics for this in AFS Rehber. I forgot to show you the board part number. The board part number is C912P. C912P. So you can see it is written here Alienware C912P. We have the schematics. Sorry. C912P. So we have the schematics here. And I can download the schematics from my AFS Rehber. Okay. I have the schematics. So if I click download, it will start downloading. And I have downloaded the schematics also for you. Again, I don't want to open it. And let me open the schematics. So PU100. So here also it is showing me PU100. So our IC ka number kya hai? PU100. So PU100 means let me understand how many legs are there. So it is a 5 leg. 5 leg means it's total 20. 5 fours are 20. So 20 leg mein 5122 5 is my first IC which comes to my mind. और अगर 5125 है तो मैं सीधा जाऊंगा हमारे पिन नंबर 3 and 13. सो 3 and 13 क्या है? सो 3 इज एलडीओ 3 वोल्ट्स, 13 इज एलडीओ 5 वोल्ट्स लो ड्रॉप आउटपुट. ओके सो लेट अस चेक द वैल्यू एट पिन नंबर 3. सो हियर पिन नंबर 3 इफ यू स्टार्ट दिस इज द पिन नंबर 1. वी कैन सी अ स्मॉल क्लू white mark pin number 1. So this is 1 2 3. So this is my capacitor. So let us check in multimeter at my pin number 3. I am checking at pin number 3. So there is no short. So let us check at pin number 13. So for 13 this is my number. So here also it is not showing me short. So 3 and 13 it should be there. So pin number 3 and 13 मेरे को short नहीं दिखा रहा है. 13 कौन है? 5, 10, 11, 12, 13. ये line मेरा 13 आ रहा है. So this is the capacitor. So 13 पे मैं check कर रहा हूँ. Pin number 13. So 523. So VREC 3, VREC 5, both are not showing me any short. So now let us give supply to this motherboard. And really check what is the voltage available or we get any clue. I am connecting my DC power connected. Now we are going at the IC. So 30 millisecond में ऑन करता हूं. सेम 4 रीडिंग. इट इज स्विचिंग. रिमेंबर ऑलवेज इफ देर इज अ स्विचिंग इट वेंट टू 29 एंड केम बैक टू 9 एंड केम बैक टू 4. सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर. मल्टीमीटर को वॉच कीजिए और मल्टीमीटर विल गो टू द वोल्टेज मोड. इन वोल्टेज विल चेक एट पिन नंबर 3.2 वोल्ट्स. गुड. सो नाउ पिन नंबर 13 5 वोल्ट्स. गुड. लेकिन मदरबोर्ड ट्रिगर क्यों नहीं कर रहा है?
So let us check the output of the coil. So here we have the output of the coil. Okay. As I told you, मैं बोला था आपको कि हमने isolation किया है करके, correct? So we had isolated this disorder part. So that's why we are not getting anything, any shot, anywhere. Now, let me check at the small coil, what is the voltage? इस small coil पे voltage कितना है देखते हैं. 3.3 volts is ready. 5 volts is also ready. So my standby IC is working fine, but there is a short in the output. So DC को off करेंगे. ये जो मेरा मल्टीमीटर में अगेन दिखाता हूं, मैं मल्टीमीटर goes in diode mode. Yes, मल्टीमीटर is in diode mode. So ये मेरा output short दिखा रहा था. This point, you can see. This part was showing me short. So I'll put a small solder. एक वायर सोल्डर करेंगे यहां और इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे. आई थिंक हियर इट इज एनफ दिस मच. ओके, सॉल्डर हो गया एंड चेक एनी पैड इज शॉर्ट और नॉट. गुड. सो मल्टीमीटर में एक बार चेक कर लेंगे पैड कोई शॉर्ट हुआ है क्या. सो आई विल डायरेक्टली चेक एट द कॉइल. Have a light short means here somewhere short हो गया. Okay, anyway no issues. Next at this point we are getting completely short. So at this point we are getting 50. Really? अभी तक तो 3-5 चल रहा था. Let me go back. And check at my IC pin number 3 and 13 for the impedance. So pin number 3. Now see pin number 3 ka impedance mereko short dikha raha hai. Dekha aapne? And pin number 15. This is also showing me short. That means this IC is also faulty. कभी मेरे को वोल्टेज जनरेट किया, कभी मेरे को शॉर्ट दिखा रहा है. First of all, I will change this IC. In my schematics, it is showing me TPS 51225. You can see TPS 51225. 3 is VREC. And 13 is 5 volts, VREC 5. So 1225 हम IC चेंज करेंगे. So first of all IC को चेंज करेंगे. And let me pause the video and change the IC. So 3 and 13 चेक करते हैं. Pass, pass. So अभी बचा जो वायर हमने जंपर मारा था, इसके बारे में सोचेंगे. आईसी बिठाते समय शायद वायर भी निकल गया, हम एक और वायर डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं. और इस शॉर्ट पैड को पकड़ेंगे, ठीक है. सो हियर गोस अगेन. फर्स्ट वील पुट अ डिसोल्डरिंग विक
and clean this. I think good. Still little more. We'll clean it. So I have invested an IC. One investment, knowledge and IC. It वो मेरे को 3 और 5 का voltage तो दिया, but लेकिन थोड़ी देर के बाद वो short भी हो गया, इसीलिए मेरा उसके ऊपर test चले गया है. So I will show you what is this pump. ये pump क्या है करके जालू power जो मेरे को भेजा था, ये pump मैं दिखाता हूँ. ये बहुत अच्छा काम करता है, ये भी Amazon में available है. So now we'll put the jumper. I think so. I think yes. तो देखते हैं coil side. शॉर्ट निकला या नहीं निकला. कॉइल से निकल गया और अभी इस वायर के पास देखेंगे शॉर्ट है नहीं है करके. अरे यार चार टुकड़े बड़े हैं. कितना सता रहा है ये वायर. ये सन्नी सिंह प्रिंस पूरा बिगाड़ दिया मेरे को. चक दे वटे सिखा के. ओके नाउ अभी हम इसके ऊपर देखते हैं ये वायर में शॉर्टिंग है या नहीं है करके. सो इफ आई चेक एट द वायर इट इज स्टिल शोइंग मी शॉर्ट. ओके अगर मैं कॉइल के पास देख रहा हूं तो शॉर्टिंग नहीं है. सो दिस वायरिंग हैज बीन डन फाइन. अभी देखते हैं कि शॉर्टिंग क्या है करके. सो विल गो टू द मेन कैमरा. हम आ गए मेन कैमरा में. अभी हमारा डीसी को सेट करेंगे 1 वोल्ट. ओके डीसी को 1 वोल्ट में सेट किया और वी विल यूज आवर थर्मल इमेजिंग कैमरा. ग्राउंड वी कनेक्टेड हियर और पॉजिटिव प्रोब को हम क्या करेंगे एक इसको लगा देंगे जो हमने स्किन किया था अदर एंड. और ये चला हमारा पॉजिटिव साइड. ओके सो नाउ वी विल यूज आवर थर्मल कैमरा टू सी एग्जैक्टली वेयर द शॉट इज. सो हियर माय थर्मल इमेज कैमरा इज रेडी फॉर द शूट. को थोड़ा आगे एंड डीसी पावर सप्लाई ऑन ऑफ 600 शूट. हीट हो रहा है थर्मल इमेजिंग कैमरा. इस साइड कहीं भी हीटिंग नहीं है नाइदर ऑन द लेफ्ट साइड. स्विच ऑफ. अभी हम जाएंगे इसका बैक साइड में. सो वील गो टू द बैक साइड एंड विल चेक द थर्मल इमेजिंग कैमरा.
ओके, रिमेंबर पॉजिटिव कहीं भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सेफ में करना है इसको. डन, आई थिंक हियर वी कैन डू इट. नाउ विल गो टू द थर्मल कैमरा. सो डीसी ऑन, और जैसे ही मैंने डीसी, हाँ इधर मिला मेरे को, यू कैन सी वन पार्ट इट इज हीटिंग. सी इफ आई स्विच ऑफ द डीसी ऑल्सो, सी हियर, और यू कैन नॉट सी हियर, हियर यस, इफ आई स्विच ऑफ द डीसी द हीटिंग इज गॉन, स्विच ऑन द डीसी हीटिंग इज कमिंग. सो वॉट इज दिस प्लेस, तो हम सीधा इसको पकड़ेंगे. हाँ एक प्रोब में पकड़ा है मैंने. डन, दिस पार्ट इज हीटिंग. सो अभी हमारे को टाइम है, विल गो टू द माइक्रोस्कोप. सो ये कनेक्टर निकाल देंगे, अभी नहीं चाहिए. विल रिमूव द ग्राउंड, विल रिमूव द सप्लाई. ओके, वी डोंट नीड द प्रोब्स, वी हैव गॉट द पोजीशन ऑफ हीटिंग. बट अभी चेक करेंगे कि वहां प्रॉब्लम क्या है. आई थिंक हमारे को माइक्रोस्कोप में जाना चाहिए, करेक्ट. सो लेट अस गो टू द माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप हमारा ये पोजीशन क्या बताता है करके देखते हैं. वेयर वॉज द पोजीशन? द पोजीशन वॉज हियर. ओके, सो माइक्रोस्कोप मेरे का क्या बताता है देखते हैं. ओके, डन. सो विल चेक अवर मल्टीमीटर ऑल्सो, एग्जैक्टली क्या फॉल्ट है करके. ये रहा मल्टीमीटर एंड दिस इज द पोजिशन. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द कैपेसिटर. अगेन रेड प्रोब एट ग्राउंड एंड ब्लॉक प्रोब हम रखेंगे. फर्स्ट अपर कैपेसिटर शॉर्ट, लोअर कैपेसिटर शॉर्ट, लेफ्ट साइड ऑल्सो शॉर्ट, राइट साइड ऑल्सो शॉर्ट. अब इस कैपेसिटर को हम सोचेंगे एक नाम देंगे. इसका नाम देंगे लैला, क्योंकि दोनों साथ में हैं, इसीलिए मैं एक नाम दे रहा हूं लैला. इसका नाम देंगे मजनू. किसको निकाले? लैला को निकाले, मजनू को निकाले, या मेरा डीसी, डीसी टू डीसी, ये फॉल्ट है. क्वेश्चन मार्क, हु. जैसे हम सब जानते हैं कि औरत जात धोखा रहती है, कभी भी लड़की को भरोसा नहीं करना. लड़के को कभी भी धोखा दे सकती है, लूट सकती है, लुटा सकती है, सब करते हैं. सो हम फर्स्ट जाएंगे लैला को निकालने के लिए. सो हमारा केस फर्स्ट लैला से स्टार्ट होगा. अगर लैला निकलने के बाद केस सॉल्व हो गया तो औरत जात धोखा. So, ये लिया मल्टीमीटर. ब्लोअर, और ये चला हमारा लैला. लैला को निकाल दिया. डन. सो अभी हम देखते हैं हमारा शॉट गया या नहीं गया करके. ओके, ब्लैक प्रोब, मजनू को चेक करते हैं.
शॉट गन अदर साइड इज एंड सो और जात धोखा थी इस मदरबोर्ड में. आई थिंक आवर केस इज रेक्टिफाइड बिकॉज ऑफ दट कैपेसिटर इट वॉज फॉल्टी. अभी हम ये जो शॉट हमने डाला था इस शॉट को भी हम सॉल्डर कर देंगे. करेक्ट, शॉट पैड को हम सॉल्डर कर देंगे एंड वी विल चेक वेदर आवर केस इज रेक्टिफाइड और नॉट. Okay. Now we'll put some blower here. Good. Clean it. Now we'll check whether the shorting has gone or not. वापस मल्टीमीटर और यहां yes shorting is gone. Sorry, red pro में check किया. Check here, shorting is gone. Again, shorting is gone. So अभी हम यहां voltage check करेंगे. So my multimeter will go in the voltage mode. Okay, and I'll connect the DC. Set my DC to 21 volts because it is a gaming, so I'll set it to 21 volts. Now I'll keep my probe on this part. Multimeter auto range bata raha hai 30 millisecond on off, 8 DC reading on. I think 3.2 volts is coming. We'll check here. Here, I think my DC is ready to trigger. 3.2 volts aake ja raha hai. No issues. Now, let me connect the keyboard and check for the display. Before that, I'll fix the heat sink को fix कर देंगे, बाद में हम आगे सोचेंगे. So ये heat sink fix करने में पूरा थोड़ा ये हो गया. No issues, we'll add more. 1, 2 and we'll equalize. हमारे को इसको पूरा equal करना है, like this. हियर भी इक्वल करेंगे. हम यहां एलियनवेयर को रिपेयर कर रहे थे. हम यहां कोई एसओसी जनरेशन स्काईलेक केबीलेक हैजवेल ब्रॉडवेल या अपोलो लेक इस तरह को यूज कर रहे थे. हमने यहां डीसी से रिपेयर किया या हाई गैजेट्स को यूज किया या हमारे को दूसरा कोई गैजेट हेल्प हुआ. सब कुछ अपने पर डिपेंड होता है कि कॉन्फिडेंस आपके ऊपर क्या है. हम सीपीयू रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम मदरबोर्ड को रिपेयर कर रहे हैं. बस इतना समझना हमारे को काफी है. ओके, सो हीटिंग पैड को भी थोड़ा क्लीन कर लेंगे. ओके, डन. Fix.
We'll check 3 and 13. We'll go to standby IC. Whether it is generating or not. Okay, heat sink fix ho gaya, fan fix ho gaya. Aur hum jayenge yahan. So we'll check 1 minute, main check karta hun. Now let us check the display. Abhi maine iska jo on off switch hai wo laga diya hai maine. Lagane ke baad abhi बस डीसी को मैंने 22 में सेट किया है बिकॉज इट इज एन हाई एम्पियर मदरबोर्ड, फैन भी रन होने वाला है. सो अगर 5 में रुका है, नाउ द डीसी रीडिंग इज 5. सो पहले कितना था डीसी रीडिंग? इट वॉज 4. अभी कितना आया? 5. मीन्स माई मदरबोर्ड इज रेडी फॉर द स्विचिंग. ओके, सो आई थिंक मैं आपको पेन ड्राइव में डिस्प्ले दिखा सकता हूं. हियर मे बी आई विल ट्राई. शायद ठीक है, मैं इसमें दिखा दूंगा. ओके, पेन ड्राइव डिस्प्ले के लिए मैंने इधर सेट किया है. हियर नाउ लेट अस पावर ऑन द मदरबोर्ड. पावर स्विच इसके नीचे है. लैपटॉप ऑन. लेट अस वेट फॉर द पेन ड्राइव. बोथ द फैंस आर रनिंग. इंशाल्लाह डिस्प्ले विल कम. There should be a one switching. If the switching is there, inshallah display will come. Yes, we got a switching. Now laptop will automatically power on. Yes, alhamdulillah, display came and case is rectified. Let me switch off and put back the CMOS. Because the display has come, we'll put back the CMOS. मैंने CMOS को लगा दिया. एक और बार डिस्प्ले को कंफर्म करेंगे. प्रेस पावर. डीसी रीडिंग 5. प्रेस पावर बटन. लेट अस चेक फॉर द डिस्प्ले. नाउ बिकॉज आई हैव पुट अ CMOS, the ME region, the timer, the clock, the CPU, everything has to get activated. So let us see. Yes, now after restart the timing everything will be locked because I have put the CMOS now, and inshallah we'll get the display. Yes, we have got the display. Now let me connect the whole laptop and we'll check the display in that.